भारत को अगर आगे बढ़ना है, तरक्की करना है, भारत का वुमेन पॉलिसी में सख्त बदलाव आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए किसी भी कीमत पर। इसीलिए मैं जब केंद्रीय मंत्री था उस समय के नेताओं से मेरा आर्ग्यूमेंट भी था, मैंने बताया भी था, मैंने प्रयास भी किया था, लेकिन सफलता नहीं पाया। लेकिन बीआरएस के पॉलिसी तौर पर मैं अनाउंस करता हूं, सारे देश को बताना चाहता हूं, बीआरएस का सरकार अगर राजा है देश में तो बिल्कुल हर चीज में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ा दिया जाएगा। सबसे बड़ा, उन लोगों को शासक बना देंगे। वो बहुत आसान तरीका है, लोग अब कहानियां सुनाते हैं, ऐसा नहीं। हमने एक सुझाव दिया था उस समय। अभी जो मैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आई एम मेकिंग ऑन बिहाफ ऑफ बीआरएस, हमारा पॉलिसी है सीधा कि हिंदुस्तान के हर असेंबली में और हर काउंसिल में, जहां लेजिस्लेटिव काउंसिल है एमएलसी का, असेंबली में, काउंसिल में और साथ ही साथ पार्लियामेंट में, सीधे ही बीआरएस सरकार बनने के बाद एक ही साल के अंदर 33% सीटें बढ़ाएंगे। इमीडिएटली बढ़ा के वो सारे 33% सीटें महिला के रिजर्व किया जाएगा। हम वायदा करते हैं हमारे बहनों के साथ, हमारे माओं के साथ, भारत देश के, कि एक साल के अंदर ही, ये मेरा वादा है, 6 महीने के अंदर डिलिमिटेशन प्रक्रिया खत्म होगा और 6 महीने के अंदर चुनाव भी करा देते हैं, बिल्कुल 73% विल बी वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन बोथ द हाउसेस, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स बढ़ा दिया जाएगा। एंड पीपल्स रिप्रेजेंटेशन, पीपल्स सर्विस विल बी इन्वाइटेड इन टू ऑल वॉक्स ऑफ द लाइफ ऑफ द कंट्री एज मच एज पॉसिबल। इससे भी काफी मतलब बदलाव आ सकता है। सबसे बड़ा चीज यह है, आज तक हमारे देश में एक रूटीन तमाशा, रूटीन कहानियां सुनाए जाते हैं। हमने आपको दिया है पॉलिसी के तौर पर, कुछ बात कह रहा हूं मैं, रीइन्वेंटिंग इंडिया में कई चीज है, उसका दया करके आप लिखे। कुछ चीजें हैं जो हमारे जनरेशन अगर अच्छा ताकतवर भारत बने, खाली बातों में नहीं, जैसा कि हम सुनते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो कौन सा बेटी पढ़ा, कौन सा बेटी बचा, कैसा बचा, पूरे इंडिया में किसी को मालूम नहीं है। नारा तो खूब लगा था लेकिन हाथरस में बेटी का साथ क्या हुआ, अन्य जगहों पे क्या हुआ, हर दिन हमारे उत्तर भारत में बेटियों के साथ क्या हो रहा है, क्या गुजर रहा है, हम जानते हैं, शर्म से हमारा सर झुक भी जाता है कभी कभी। तो ऐसे नारा नहीं, सही सही होना चाहिए, सही तौर पर होना चाहिए, कट्टरपंथी तरीके से होना चाहिए। इन सब के लिए चाहिए होता है स्ट्रांग विल, पॉलिटिकल विल, राजनैतिक इच्छा शक्ति। अगर राजनैतिक इच्छा शक्ति हो तो हर चीज संभव होता है। ये होते हुए हमने देखा है, सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर देश को तरक्की करना है, देश की आर्थिक नीति को बदलना है, डेफिनेटली बदलना चाहिए। अनटिल अनलेस वी लिवरेज द इंडियन इकोनॉमी, अब इसी में घूमते रहेंगे, इसी में चेते करते रहेंगे, इसी में टैक्स लेते रहेंगे, छोटे छोटे लोगों से खींचते रहेंगे, बड़े बड़े लोगों को माफ करते रहेंगे, ये गोल गपला ये नहीं चलेगा। इससे हकीकत में, जैसा कि मुझे क्रिटिसाइज करना नहीं है लेकिन करना पड़ रहा है, करना पड़ता है, कहा गया कि मेक इन इंडिया, इट हैज बिकम जोक इन इंडिया। क्या हुआ है, क्या आया है, क्यों नहीं आया है? मेक इन इंडिया जो नारा आया उसका एनवायरमेंट बना, यहां पे एनवायरमेंट कम से कम क्रिएट हुआ, कोई एक महत्वपूर्ण ऐसी जड़ आया ताकि कोई विदेशी इन्वेस्टर आए। मैं साफ कहना चाहूंगा, विस्तार में फिर बाद में कहूंगा लेकिन आज बताना पड़ेगा इतना मुझे, आज के स्थिति में कई कंपनियां जो मल्टीनेशनल कंपनीज है वो निकल रहे हैं चाइना से। क्यों हिंदुस्तान में हम अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्यों हमारे तरफ वो कंपनीज रुक नहीं कर रही है? अगर मेक इन इंडिया सही होता, ईज ऑफ डूइंग सही होता, उतना हम फ्लेक्सिबल होते, क्यों नहीं आने दिए? एक कंपनी है जिसे हमने खुद बात की, फाइजर कंपनी टीका, जो कोरोना का टाइम पे कितना भी कोशिश करके उसको रोका गया, यहां नहीं आने दिया, क्यों, क्या वजह है, इसके कारण क्या है?
जबकि जनता चाह रहा था हमको अच्छे से अच्छे टीका मिले, खरीदना भी चाह रहे थे लोग, फिर भी रोका गया जबरदस्ती से। हमने भी प्रयास किया, नीति आयोग में बात किया, पीएमओ में भी बात किया, कहीं मेरे साथ कहीं चीफ मिनिस्टर्स ने भी बात किया, लेकिन नहीं आने दिया। क्या बात है, अनेक कंपनी आना चाहते हैं लेकिन आने नहीं देते हैं, उल्टा फिर लोगों को गुमराह करने के लिए मेक इन इंडिया कहते हैं। वेयर इज द एनवायरमेंट इन इंडिया, मेक इन इंडिया के जो स्लोगन है उसके साथ उसके बराबर का एनवायरमेंट है क्या? हकीकत में ईज ऑफ डूइंग है क्या? उतनी सुविधाएं दिए गए हैं क्या? है तो क्यों नहीं आ रहा है? नहीं आते। जो हमारे मित्र है, हमारे दोस्त है, उनके लिए हम काम करेंगे, उनके इन्फ्लेट करेंगे शेयर मार्केट में, क्यों आने देंगे? नहीं आने देंगे। ये प्रकार चल रहा है। तो इसीलिए ये सारे गरीबी को मिटाना है, सारे चीजों को लागू करना है, तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह होता है इंडियन इकोनॉमी को लिवरेज करना पड़ेगा। इसके लिए पूर्ण तरीके से नई नीतियां, रिवोल्यूशनरी नीतियां, जिस प्रकार से चाइना ने अपनाया था, जिस प्रकार से सिंगापुर ने अपनाया था, जिस प्रकार ने मलेशिया ने अपनाया था, जिस प्रकार से साउथ कोरिया ने अपनाया था, वो वैसा हिंदुस्तान को करना चाहिए। उस तरफ भी भारत राष्ट्र समिति पूर्ण प्रयास करेगी। आगे चल के विस्तार में हम ये पॉलिसी भी देश के सामने रखेंगे।